हजरत सबसे पहले तो मैं आप तमामी हजरात का एक तवील कैदोबंद के बाद इस तरह इकट्ठा होने पे खैर मकदम करता हूँ। ज़िंदगी की रफ्तार इस वबा की आमद के बाद जिस गैर मुतवक्का तौर पे तब्दील हुई है और जिसकी वजह से दूरियाँ बढ़ गई हैं और एक शहर में होते हुए मुलाकात और याद अल्लाह तक का भी गोशा बाकी नहीं रहा था, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तकरीब कुछ तो पहले मुलाकात चाहिए। ये रस्म इजरा दरअसल इकट्ठा होने की नीयत से मुनक़िद की गई है, वरना ये बाद में भी मुनक़िद की जा सकती थी। और ज़ाहिर है कि हमारे मोहम्मद शाहिद खान साहब का ज़ौक बड़ा सुश्ता और आली है। जिस तरह से उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया हम तमामी हज़रात का और जैसी उन्होंने खूबसूरत महफिल आरास्ता की है, इसके लिए हम तहे दिल से मशकूर हैं। बिलखसूस शोरा की तरफ से, इसलिए कि शोरा ने एक तवील मुद्दत तहत गुजारी है और तहत की ये तवील मुद्दत ज़ाहिर है कि ऑनलाइन मुशायरे होते थे, लेकिन जो एक रूबरू और बराह रास्त कलाम सुनाने का लुत्फ़ और मज़ा है और सामीन से तआम्मुल के बाद जो कलाम सुनाया जाता है उसकी कैफियत कुछ अलग होती है और इसे शोरा हज़रात खूब समझते हैं। मुझे मज़ीद इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानान को स्टेज की तरफ बुलाऊँ और उनकी नशिस्तों पे उनको बिठाऊँ। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूँ आज की इस रस्म इजरा और तकरीब मुशायरा के सदर दोहा के कोना मश्क उस्ताद शायर मोहतरम अदीब मंज़र साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी नशिस्त पर बैठ जाएँ। इसके बाद दोहा की बहुत ही मारूफ शख्सियत जिनकी शख्सियत हम जहत है और इनके तारुफ के कई पहलू और कई गोशे हैं, खैर उस पर बात पर रोशनी डाली जाएगी। सर दस्त में उनसे मुअद्दबाना मुल्तमिस हूँ जनाब हसन अब्दुल करीम चोगले साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी नशिस्त इख्तियार फरमाएं। इसके बाद हमारे बीच एक और मौजूद शख्सियत डॉक्टर रहमान सिद्दीकी नदवी साहब की है जो आज की इस तकरीब के मेहमान एजाजी हैं, मैं उनसे भी मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी नशिस्त को रौनक बख्शें। अब मैं चाहता हूं कि इस तकरीब का बाज़ाब्ता आगाज़ हो और ज़ाहिर है कि हमारी ये रिवायत रही है कि हम अपनी हर तकरीब का आगाज़ अल्लाह के कलाम से करते हैं ताकि वो तकरीब हमारे लिए बाबरकत बन जाए। इसके लिए मैं मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ जनाब फारूक कासामी नदवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम इलाही से आज की इस तकरीब का बाज़ाब्ता आगाज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। हजरत तिलावत कलाम इलाही से आज की इस नशिश्त का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है और आज की इस तकरीब के दूल्हा जिनके नाम आज की ये तकरीब है और जो मेज़बान भी हैं और साहिब तकरीब भी हैं, इनकी किताब की रस्में इजरा होने वाली है। मैं उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि वो तशरीफ लाएँ, वो कि मैंने उनका नाम ताखीर से लिया, मैं चाह रहा था कि कुरान की तलावत के वक्त वो तशरीफ लाएं। आज की इस तकरीब रुनमाई में दो मकाले गालिबन इस किताब के हवाले से पढ़े जाएंगे। मैं अपना मकाला खाल खाल आपको सुनाऊंगा। मकाला नहीं, मज़मून पे। हाँ, मकाला लंबा हो जाएगा। नहीं, मज़मून पे इख्तसार से पढ़ देंगे लोग। हाँ, तो एक तो इस खाकसार का है और दूसरा हमारे दोहा की मारूफ तरीन शख्सियत अदबी और तहरीरों के हवाले से जनाब उर्दू कतर रेडियो का एक बहुत ही मारूफ नाम है उबैद ताहिर साहब, उनका मज़मून होगा। मकाले के नाम से ही गालिबन लोगों को तवालत का एहसास हो रहा है, इसलिए मैं इसे मज़मून ही कहूँगा ताकि लोग घबराएं नहीं। शुरू में ही मैं चाहता हूं कि एक मुख्तसर सी बात आपसे ये अर्ज़ कर दूं। जब ये वबा फैली और इसका आगाज़ हुआ तो उस ज़माने में गालिबन लोगों को ये एहसास नहीं था, इसके हवाले से बहुत से जोक्स भी लोगों ने पोस्ट किए सोशल मीडिया पे। बाद में जब इसकी शिद्दत बढ़ने लगी और लोग शिकार होने लगे तो फिर लोगों के होश ठिकाने आए और एक खौफ व सरासीमगी का माहौल पूरी दुनिया में फैल गया। मुझे याद है कि जब हमारे मकतब के दफ्तर के कई लोग पहली जो एक मौज थी उसकी उस दरमियान इस वबा का शिकार हुए तो उसमें हमारे शाहिद भाई भी शामिल थे। इसके बाद इनकी एक खूबी ये है कि ये मसायब को मौके में बदल लेते हैं। वो मैं तो खुद इसमें मुब्तला था और 14 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं, 14 दिन में कहते हैं 14 तबक रोशन थे।
लेकिन इन्होंने उस दौरान भी जो तहरीरें मुस्तकिल लिखीं और उसे पोस्ट किया वो बहुत ही हौसलामंद और हिम्मत आफरीन थे, और इनका कलम, इनकी फिक्र और इनका अल्लाह की ज़ात पे यकीन, ये तमाम खूबियाँ इनके मज़ामीन से नुमाया थे। मैंने इनको उस दरमियान की तहरीरों में एक अच्छे दोस्त की हैसियत से भी देखा, एक ज़िम्मेदार बाप की हैसियत से भी देखा और एक सच्चे मुसलमान की हैसियत से भी देखा। मुख्तलिफ रंग थे इनके मज़मून के तहरीरों के, और इन्होंने आयली हालात का भी अपने ज़िक्र किया, अपने बच्चों से भी ख़िताब किया, वो बड़ा जज्बाती पहलू था। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल का मौर्रिख जब कोरोना की तारीख मुरतब करेगा तो चंद असासी किताबों में इनकी डायरी भी होगी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको, और एक बात और भी आपसे अर्ज कर दूँ कि आज की इस तकरीब में जिनके हाँ तो ये रस्म इजरा होनी है, मोहतरम अब्दुल हसन अब्दुल करीम चोगले साहब, इनकी शख्सियत हमा जहत है, एक कामयाब ताजिर, समाजी खिदमतकार और एजुकेशनिस्ट की हैसियत से इनके नाम की गूंज दोहा से लेकर हिंदुस्तान तक फैली हुई, बिलखसूस महाराष्ट्र के कोकन के खत्ते में इनकी तालीमी खिदमात का चर्चा घर घर होता है। तालीम की शाह कलीद से मुसलमानों की तकरीर का बंद ताला खोलने के लिए चोगले साहब हम तन और हम वक्त मशगूल रहते हैं। इनकी तकरीर खा किसी मौके और हवाले से हो, वो उसमें तालीम के मुजर्रब और कीमिया असर नुस्खे का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। ये इसका मैशा है। इससे तालीम के ताल्लुक से इनके लगाव और संजीदगी का इजहार होता है। इनके लिए मैंने तकरीबन साल भर पहले ये चार मिसरे कहे थे जिनको यहाँ नकल करना मैं समझता हूँ मुनासिब होगा। वो अपने कौल की तस्वीर बन के आए हैं, वो अपने कौल की तस्वीर बन के आए हैं, सराबा जज्बे तामीर बन के आए हैं, सराबा जज्बे तामीर बन के आए हैं, फरोग़े इल्म का लेकर चराग हाथों में सुनहरे ख्वाबों की ताबीर बन के हैं। बहुत खुशी और मुसर्रत की बात है कि इन जैसी तालीमी शख्सियत के हाथों कोरोना वायरस मरीज की डायरी की रस्म इजरा अदा होगी। हज़रात, आज की इस महफिल के सदर मोहतरमती बंजर साहब उर्दू में दोहा में उर्दू शायरी का एक मोतबर नाम है, और आप हजरात इनसे बखूबी मुतारिफ हैं। इन्होंने बिलखसूस आज़ाद और नज़्म मौर्रा के हवाले से जो अपनी एक पहचान बनाई है वो इंतहाई मोतबर, मुस्तनद और लायक तहसीन है। वो आज की इस तकरीब की सदारत फरमा रहे हैं, ये भी हमारे लिए खुशबख्ती की बात है। इसके हमारे मेहमान एजाजी जनाब डॉक्टर अताउर रहमान नदवी साहब, एक अच्छे अदीब, एक अच्छे नकाद और एक अच्छे आलिम दीन हैं। इनकी मौजूदगी भी आज की इस तकरीब के वक़ार में मज़ीद इज़ाफे का सबब बनी है। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए चाहता हूँ कि इस मौके पर उबैद ताहिर साहब तशरीफ़ लाएं और अपने मकाले से हमें नवाजें। मैं मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। सर मैं महफिल कोरोना में थोड़े से सौ पीस का ख्याल भी होना चाहिए, तो ये डर भी रहता है कोई फोटो लेके कहाँ डाल दे, इसलिए
मैं अपने बगल के दो जो मेरे थे उनको तो मैंने नकाब पोश कर दी है, मैं कहने भी लगाओ हाँ जरूरी है। ये न मकाला है न मजमून है, ये बस वो जो छोटे बच्चे के हाथ में आप दे दो, मजमून ची है। हाँ देखिए ना कैसे पढ़े लिखे लोग मदद करते हैं फौरन जी। जनाब सदर और मेहमान एजाजी व खुसूसी और किताब के मुसन्निफ और शकील साहब आपकी इजाज़त से बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। कोरोना मरीज की डायरी एक सेहतमंद मरीज का हयात बख्श पैगाम, मुमकिन है यही दिल के मिलाने का सबब हो, ये रुख जो हमें हाथ मिलाने नहीं देती। कोरोना वायरस से पहले जिन बीमारियों को भी वबा का दर्जा दिया गया वो किसी मुल्क या खित्ते तक महदूद रहीं और इस जोग्राफियाई महदूदियत की बिना पर उनका शिकार होने वाले अफराद की तादाद भी महदूद रही, लिहाजा उनके नफसियाती समाजी और माशी असरात भी एक ख़ास खित्ते से आगे न बढ़ सके। वबाओं की मालूम और मुदव्वन तारीख पर नज़र डालें तो दुनिया कई बार इनसे नबर्द आजमा हो चुकी है और हर बार दस्तियाब वसाइल और राइज तिब्बी उलूम के सहारे हुकमा और हुकूमतों ने उनका तैयार किया और इंसानियत को बड़े नुकसान से बचाया। अलबत्ता आमदोरफ्त और ख़बर रसानी के असबाब न होने की बिना पर न मुतासरीन दूसरी जगहों तक पहुँच सके और न उनकी खबरों ने दूसरी अकवाम को परेशान किया। माहिरीन के मुताबिक अवलीन सबसे मोहलिक वबा का पता 3000 कबल मसीह में चीन के एक इलाके हिमिन मांगा से मिलता है, जहां माहिरीन आसार कदीमा ने एक साइट दरियाफ्त की है जहां हर उम्र की बेशुमार इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां और ढांचे मिले हैं जिनको बज़ाहिर एक जगह मुसलसल जलाया गया ताकि दूसरे उस वबा से महफूज रहें। चीन ही के एक दीगर शुमाल मशरकी इलाके म्याओ जीगो से भी तकरीबन इसी ज़माने की ऐसी वाकयात दरियाफ्त की गई हैं जिन पर तहकीक के बाद माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया कि वबा ने पूरे उस खित्ते को ऐसा लपेट में लिया कि शायद ही कोई बचा हो। सन 430 कबल मसीह में यूनान में एक बड़ी जंग के बाद वबा फैली जो 5 साल तक जारी रही और बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक 1 लाख अफराद उसके हाथों लुकमय अज़र बन गए। सन 165 ता 180 ईस्वी के दौरान एक मोहलिक तरीन वबा का तस्करा मिलता है जिसने रूमी सल्तनत को हिला कर रख दिया और तखमीनन 50 लाख अफराद इस बीमारी से मर गए। सल्तनत कमज़ोर हो गई, खाना जंगी पड़ गई और अवाम में मसीहियत का जोर हुआ। सन 250 से 271 ईस्वी के दौरान ताउन फैला और उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि एक दिन में इटली के सिर्फ एक शहर रोम में 5000 से ज़्यादा आदमी दम तोड़ गए। सन 541-42 ईस्वी में बाजंतीनी सल्तनत के मशहूर तरीन बादशाह जिस सेनियान के दौर में ताउन फैला और कहा जाता है कि उसमें दुनिया के तकरीबन 10% अफराद मर गए। इस वबा की माशी और सियासी असरात भी मरतब हुए और बाजंतीनी सल्तनत कमज़ोर होती चली गई। सन 1346 से 1353 ईस्वी के दरमियान ब्लैक डेथ नामी बैक्टीरिया ने यूरोप को अपनी लपेट में लिया और एक अंदाजे के मुताबिक यूरोप की आधी आबादी दुनिया से मिट गई, बल्कि इस वबा ने यूरोप में बुनियादी तब्दीलियां पैदा कर दी और मजदूरों की अदम दस्तियाबी की वजह से मुतबादल इजादात की तरफ तवज्जो की गई। हालिया कोविड-19 की वजह से भी नई नई टेक्नोलॉजीज सामने आई हैं जो अगर ये वबा और उसके इंसानों को कैद कर देने वाले असरात ना होते तो शायद इतनी जल्दी और इतनी मुतनव्वे अंदाज में सामने ना आती। सन 1545 से 1548 के दौरान मैक्सिको और वस्ती अमेरिका के इलाकों में फूटने वाली वबा में तकरीबन 15 मिलियन अफराद जान से हाथ धो बैठे। सन 1665-66 में लंदन में फैली बीमारी में तकरीबन 1 लाख जिंदगियां खत्म हो गई। सन 1720 से 1723 के दौरान फ्रांस के सूबे मार्सिलिया में वबाई मर्ज से मजमूई आबादी का तकरीबन 30% हिस्सा सफ़े हस्ती से मिट गया। सन 1770-72 रूस के दारुल हुकूमत मास्को में फैलने वाली वबा से तखमीनन 1 लाख अफराद मारे गए और शदीद किस्म की अनारकी फैल गई। मलिका कैथरीन दोम ने बमुश्किल अपनी सल्तनत बचाई। सन 1889-90 में मोहलिक फ्लू फैला, चूँकि आमदोरफ्त के ज़राए काफ़ी बेहतर हो चुके थे लिहाजा चंद माह में ही ये फ्लू कई मुल्कों में फैल गया और तकरीबन 10 लाख अफराद मौत की आगोश में चले गए। गुज़िश्ता सदी में दो बड़े फ्लू आए, पहला सन 1918 से 1920 के दौरान जिसको स्पेनिश फ्लू कहा जाता है। इस बीमारी से दुनिया के तकरीबन 500 मिलियन अफराद मुतासर हुए जिनमें से 1 करोड़ के करीब जानवर ना हो सके।
दूसरे फ्लू को एशियन फ्लू कहते हैं जो सन 1957-58 में चीन से फैला और तकरीबन 10 लाख इंसानी जानें ज़ाया हो गई। उनके बाद एड्स, H1N1, स्वाइन फ्लू, एबोला और जीका जैसे वायरस और वबाएँ फैली जिन्होंने लाखों हंसते खेलते घरों को उजाड़ दिया और जो आज भी मौजूद हैं और तमाम तर तिब्बी और साइंसी तरक्की के बावजूद मुकम्मल तौर पर इनका खात्मा नहीं किया जा सका है। गुज़िश्ता इन तमाम वबाओं और बीमारियों से जो चीज़ कोविड-19 नामी आज की वबा को नुमायाँ करती है वो उसकी प्रसारियत और बराह रास्त मीशत पर उसकी कारज़र्ब है। बयानकर्ता साहब का तमाम वबाएँ अपनी तमाम तर होलनाकियों के बावजूद पूरी दुनिया को मुतासर नहीं कर सकी थी और इसी तरह उनके मुआशी और सियासी असरात भी मुतालिका मुल्कों और खित्तों तक महदूद रहे, लेकिन इस गैर मरी कोरोना वायरस ने पहली बार पूरी दुनिया के इंसानों को बैक वक्त मजबूर और महसूर कर दिया है। मालूम तारीख इंसानी में ये पहला मौका है जब हर किस्म की आमद व रफ्त और नकल हमल के ज़राए और मेल मिलाप और मुलाकात पर यकसा पाबंदियाँ लगाई गईं और नेगेटिव होना पॉजिटिव होने की अलामत करार पाया। खौफ दहशत और लाचारी और बेसवाती का ऐसा माहौल बना या बना दिया गया कि एक ही घर के मकीन दूसरे से फासला बरतने लगे। बिलखसूस इब्तदाई 3-4 माह दुनिया के लिए डरावना ख्वाब साबित हुए। शदीद तरीन जहनी और नफसियाती दबाव के माहौल में मुतासरीन की तादाद में ड्रामाई इजाफे के मुतालिक लम्हा बलम्हा और ताज़ा बताज़ा खबरों ने बच्चों और बड़ों सभी को नाकाबिले बयान जहनी कैफियत में मुबतला कर दिया। ये एक ऐसा मरहला था जिसको हम में से कोई याद नहीं करना चाहता। हम भूल भी जाएं, मगर तारीख कुछ नहीं भूलती। वो मरीजों और मुतवफ़ियों के साथ साथ उनको भी याद रखती है जिन्होंने इस हौसला शिकन माहौल में लोगों को हौसला दिया, उनकी रहनुमाई की और उनके दिलों में ज़िंदगी के चिराग रोशन किए। वो चाहे डॉक्टर हों, नर्सिंग स्टाफ हों, सहाफ़ी हों, समाजी कारकुन हों, शायर और अदीब हों या मुस्बत पैगाम को आम करने वाले कॉलम नगार और ब्लॉगर्स हों, तारीख उनका बरवक्त और तामीरी किरदार अपने उजले सफ़ात में महफूज कर लेती है। और मुझे ये कहते हुए इत्मीनान और खुशी महसूस हो रही है कि शायद खान साहब की कोरोना मरीज की डायरी ने भी उस बेएतबार मौसम में एतबार, एतमाद, हिम्मत और मुस्बत सोच को सोशल मीडिया के जरिए हज़ारों लोगों तक पहुँचाकर कार्य खैर किया और बिलखसूस अपने हल्के अहबाब में ज़िंदगी बख्श दवा का काम किया। ये डायरी 12 मजामीन पर मुश्तमिल है जिनमें से 11 एक माह की तिब्बी हिरासत यानी करंटीना के दौरान कलमबंद किए गए और आखिरी आर्टिकल करंटीनी शहरियत वापस लिए जाने के बाद लिखा गया, जो इस सब आजमा एक माह के एहसासात और तजुर्बात का निचोड़ है। इन मजामीन की अदबी और दस्तावेजी हैसियत अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन मेरे नज़दीक उनका समाजी मरतबा ज़्यादा बुलंद और काबिल एहतराम है, क्योंकि ये मजामीन जिस वक्त लिखे जा रहे थे उस यासियत और बेयकीनी के आलम में सितारे सहरी साबित हो रहे थे। नफसियाती खौफ की वो चादर जो आम लोगों के दिलो दिमाग पर तारी थी, इस डायरी के हर नए सफ़े के साथ उसके धागे कसमसा कर टूटते जा रहे थे। ज़बान ऐसी शगुफ्ता और उसलूब ऐसा दिलावेज है कि पढ़ने वाला इत्मीनान महसूस करता है और बजाय कोरोना वायरस से खौफ खाने के उसके साथ लोहा लेने के लिए खुद को तैयार महसूस करता है। इन मजामीन में नफसियाती तजिए, आयात, अहादीस और अशार पर मुश्तमिल दीनी और अदबी हवाले, सियासी नारंगियों पर तबसरे, मईशत पर पड़ने वाले वबाई असरात की तरफ इशारे और बहैसियत बाप, बेटा, शौहर, दोस्त और भाई के एक आम इंसान की कैफियत मरकूम है जो इंसानी ज़िंदगी के हर रंग का इहाता करती हैं। 21 दिन तक का अहवाल इंतहाई शौकी के साथ बयान किया गया है, जबकि करंटीना के आखिरी अय्याम के सफ़ात पढ़ने वाले को फिक्र व तामुर और हयात मुस्तार के शब रोज़ और तरजीहात पर नज़र सानी का मशवरा देते हैं। कई मकामात पर कलम इतना शौक है कि पढ़ने वाला भूल जाता है कि वो किसी करंटीनी बाशिंदे के साथ है, और यही शायद खान साहब की वो समाजी खिदमत और उनका वो हयात बख्श पैगाम है जो गैर शोरी तौर पर पढ़ने वाले के दिल से खौफ निकाल कर उसकी जगह अज़्म और अजीमत को भर देता है। इस ज़िम्न में सैयद ज़ादे कादरी साहब मौजूद हैं ना, इस ज़िम्न में सैयद ज़ादे कादरी का तस्करा पढ़ा जा सकता है जो बहुत दिलचस्प है और फितरी रचाओं के साथ पेश किया गया है। कोरोना मरीज की डायरी दरअसल किसी मरीज के मर्ज की रुदाद नहीं, बल्कि जिंदगी और इंसानियत से प्यार करने वाले एक दर्दमंद दिल के सेहत अफजा सफहात हैं जिनमें मर्ज से डरने के बजाय लड़ने का पैगाम दिया गया है और जिंदगी की कदर व कीमत का एहसास दिलाया गया है। वो रिश्ते
जो हमारे आसपास हैं लेकिन हमारी बेतवज्जुही का शिकार हैं, उनको बहाल करने और उनका हक अदा करने की दावत दी गई है। जिंदगी की बेसबादी की तरफ इशारों के साथ साथ जिंदगी को कीमती तोहफा भी शुमार किया गया है। ये डायरी खुद को रीअरेंज करने और कायनात और खालिक कायनात और इस कायनात की हसीन तरीन मखलूक इंसान के साथ सही ताल्लुक उस्तवार करने का पैगाम देती है। शाहिद खान साहब ने यह डायरी लिखकर लोगों को हौसला बख्शा और अब उसको छपवा कर आने वाली नस्लों के लिए इस हयात आफरी नुस्खे को महफूज भी कर दिया, जिसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। डायरी पर मुशर्रफ आलम ज़ौकी साहब का वकील मुकदमा और बरादरम सैयद शकील अहमद का दीपाजा उसकी कदर कीमत में इजाफा करता है। मैं शाहिद खान साहब के इस पैगाम के साथ इजाज़त चाहूँगा जो उनकी डायरी की आखिरी सतूर भी हैं और मेरे दिल की आवाज़ भी, कि हयात इंसानी वक्त के लहरों पर सिर्फ एक बुलबुला है और उस पतंग की तरह है जो सांसों की डोर से बंधी हुई है और वो डोर किसी भी लम्हा टूटकर जिंदगी को आज़ाद कर सकती है। इसलिए ऐ लोगों, अपनी जिंदगी को सिर्फ अच्छी यादों और नेक कामों से मामूल करो। उबैद ताहिर साहब ने अपने फन का बेपनाह मुजाहरा किया और समंदर को कूजे में उतार के पेश कर दिया। जिस तरह से इनकी रफ्तार बढ़ रही थी, मुझे अच्छा हो रहा था कि कहीं ये मकाले की सूरत इख्तियार ना कर जाए, लेकिन जैसे समेटा इन्होंने और जिस खूबसूरती से अपने मजमून को अदा किया और उसे इख्तिताम तक पहुंचाया, ये उन्हीं का खासा है, उन्हीं का कमाल है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात, अब बिला ताखीर करोना मरीज़ की डायरी की रस्मी इजरा अदा होगी। मेहमान खुसूसी मोहतरम हसन अब्दुल करीम चोगिया साहब, मोहतरम अतीक अंजर साहब और मोहतरम डॉक्टर ताऊर रहमान सिद्दीकी साहब से इतमाद करता हूँ और साथ ही साहब खिताब जनाब मोहम्मद शाहिद खान साहब से कि वो रस्म इजरा की रस्म अदा फरमाएँ। और हजरात से गुजारिश है कि तालियों के दरमियान शख्सियत मौजूद है जो बज़ाहिर बहुत खामोश दिखाई देती है, लेकिन वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन भी है। मेरी मुराद ताहिर जमील साहब से है। वो शायर हैं, अदीब हैं, ख़त्तात हैं। इस मौके से उन्होंने एक कैलीग्राफी बतौर ख़ास शाहिद भाई के लिए बनाई है, तो मैं चाहता हूँ कि वो खुद आएँ और अपने आंखों ने पेश करें। मोहतरम भाई जमी पेश की है और आपने एक ऐसा कलमा उन्हें पेश किया है खत्ताती की सूरत में जो ज़िंदगी का माहसल और उसकी तकमील है। मैं अब साहब किताब
मोहम्मद शाहिद खान साहब से मुल्तमस हूँ कि वो आएँ और अपने तासुरात से नवाजें। मैं मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ। उबैद भाई ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मज़मून पढ़ दिया। अच्छा, कोरोना मरीज़ की जो डायरी है वो तकरीबन सभी ने पढ़ी हुई है और कोरोना से तकरीबन हम अक्सरियत हमने से उससे गुजर चुकी है। फ़र्क सिर्फ इतना है ये है कि मैं जैसे बद्री सहाबी को शहीद हुए थे वो दर्जा हमें हासिल है कि हम बिल्कुल इब्तदा में इसका शिकार हुए। हमारे साथ से मुश्ताक अहमद कादरी साहब भी मौजूद थे और यकीन नहीं था कि हमें कोरोना हुआ है। डॉक्टर ने मैं गया चेकअप के लिए, उसने कहा ब्लड टेस्ट करवा लें, ब्लड टेस्ट करवाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि थोड़ी देर मैं आपको रिपोर्ट मिल जाएगी मैं कॉल करूंगी। मैं पार्किंग में रुक गया, थोड़ी देर के बाद डॉक्टर का फ़ोन आया, डॉक्टर काफ़ी घबराई हुई थी। उसने कहा कि घबराइएगा नहीं और परेशान मत होइएगा और ऐसे कीजिएगा वैसे कीजिएगा, मतलब उनको लगा कि आपको कोरोना हो गया और शायद बचने की उम्मीद नहीं है। अच्छा, मैंने फिर उसके बाद उनसे रिपोर्ट ली। अच्छा, जब ये मालूम हो गया कि ब्लड में इन्फेक्शन है तो उसके बाद ही से समझिए कि फिर वो दूरी वाला काम शुरू हो गया कि आप बस वहीं रुकिए, आपको हम भिजवाते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट लिया, उसके बाद पूरी रात इधर उधर दौड़ते रहे कि कहाँ पर जाकर के टेस्ट करवाएँ। मुझे लगता था कि मुझे होगा नहीं, टेस्ट करवा लेते हैं। टेस्ट करवाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। तो मैंने समझा कि शायद फिर से टेस्ट होगा। उसके बाद हमको और मुश्ताक साहब को एम्बुलेंस आई और हम लोग शाम के 7 बजे एम्बुलेंस में बिठाया और ले करके हम लोगों को सनाइया में एक हज़म मुबारक में हमको लेकर के गए। वो जो मरहला था इतना सख्त था कि हम लोगों को मतलब 18 घंटे लग गए क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचने में, ना खाना ना पानी, कोई पूछने वाला नहीं और ऐसे लगता था कि आप एक मुजरिम हैं। और हमारे एक साथी थे उनको तो 30 घंटे लग गए, मतलब वो उनका बहुत बुरा हाल था। अभी तो ये है कि अगर आप पॉजिटिव हैं घर पे गाड़ी जाती है लिमोजिन भेज देते हैं आप चले जाएँ। 18 घंटे के बाद हमें क्वारंटीन सेंटर पहुँचाया। अच्छा, हम दोनों साथ थे, हमने सोचा कि कम से कम साथी मिला हुआ है, उनको हमसे वहीं जुदा कर दिया। उनको कहा कि आपको ब्लड टेस्ट होगा, उनको ब्लड टेस्ट करवाया, उसके बाद उनको ले जाकर एडमिट कर दिया और हमको कहा यहाँ से चलिए आपको खाना देंगे, ले जाकर दूसरे हॉल में बिठा दिया। अब वहाँ पर देखा कि अच्छे खासे लोग बैठे हुए हैं, हमने कहा बस कब आएगी, उन्होंने कहा कि बस कुछ नहीं पता है, कल फ्राइडे है, बस कब आएगी कुछ नहीं पता है, हो सकता है कि 8 बज जाएँ, 9 बज जाएँ, 10 बज जाएँ। बहरहाल दूसरे दिन जब वहाँ उन्होंने क्वारंटीन सेंटर पहुँचा दिया और एक पुलिस गाड़ी की हिरासत में बाकायदा भेजा, यानी आपको लगेगा कि मरीज हूँ कि मैं मुजरिम हूँ। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे ना फौजी जैसे बैरक होता है उस तरह से पूरे तार बाड़ लगे हुए थे और मुख्तलिफ पॉकेट बनाए हुए थे, एकदम इब्तदाई अयाम थे। बाद में उन्होंने उसको बहुत आसान कर दिया और लगा कि यार ये सब इसका शिकार होने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा उसको इंसानी उन्होंने रुख दे दिया, लेकिन शुरू में वो बहुत ख़तरनाक था। और उसके बाद 1 महीना जो क्वारंटीन में रहा तो उसके जो एहसास और जज्बात हैं उसका मैंने उसमें डायरी में उसका इजहार किया है। वाकई ये कि उन दिनों में मुझे बहुत सारे अननोन नंबर से फ़ोन आते थे और उन्होंने कहा कि अपने मजामीन आप भेज दीजिए, ये मजामीन बहुत कारगर साबित हो रहे हैं लोगों को नफ्सियाती तौर से सहारा देने में। और हमारे कुछ साथियों ने मतलब एक ग्रुप था, मैंने उसे पोस्ट किया, कुछ हमारे सीनियर नदवी थे, उन्होंने कहा कि ये डायरी जो है सिर्फ इतना नहीं है बल्कि ये अदबी टच है, इसमें अदबी रंग में लिखा हुआ है, तो इस डायरी को छपना भी चाहिए। अच्छा, हमारे जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं मेरा ख्याल है तकरीबन सभी ने उन दिनों डायरी को पढ़ा और सिर्फ ये नहीं कि तहरीर की थी बल्कि उन्होंने ज़ाती तौर से मुझे मुझसे हमदर्दी थी और अपनी दुआओं से और मुसलसल रबते में रखते थे, फ़ोन करते थे, खबर खैरियत पूछते थे, तो काफ़ी उन्होंने सहारा दिया। उन दिनों मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वहाँ पर जाके देखा तो जैसे कोई बहुत पैसे वाला हो, बहुत बड़ी हैसियत वाला हो, कोई बहुत छोटी हैसियत का आदमी, सब बराबर है, सबको एक ही जैसा लगता है कि ज़िंदगी से दोबारा मुलाकात होगी कि नहीं होगी, यहाँ से हम बच के जाएंगे या नहीं जाएंगे। सोचते थे कभी कभी कि यहाँ से तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी वफा कर जाए, दोबारा जाए बच्चों में उनसे मिलना नसीब हो जाए, लेकिन आप सोचिए कि अगर हम ऐसी मतलब गए और फिर वापस नहीं आ सकते, ऐसी ज़िंदगी में ऐसे मरहले में दाखिल हो गए कि अब ज़िंदगी का आखिर, आप सोचिए कि अभी कैफियत क्या होगी। तो एक तरह से दुनिया से एक तरह से बेनियाजी
का भी हाँ एक एहसास हुआ कि दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया बहुत बहुत बेसमाती है दुनिया में। तो वही मैंने आज अपने लिखा था कि अच्छी यादों की से दुनिया इस अपनी जिंदगी को और अपनी यादों को मामूर करें। और बाकी मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लेकर के आए, मैं शुक्रिया के लिए हाज़िर हुआ था। और बाकी चीज़ें वह मैंने तसरे में कह दी हैं। मुख्तसर सा हिस्सा तो पढ़िए किताब का, एक एक कोई इसमें से गाइड जो जो आपको हिस्सा बहुत पसंद हो। शहजादे वाला पढ़िए। अरे नहीं नहीं जो आपने जो मसाल पूछा आपने बेटे साहब के लिए वो बहुत दर्दनाक है। असल में मैंने हिंदुस्तान में जो सियासत थे मैंने अपनी बेटी के नाम जो लिखा था वो पढ़ देता हूँ। हाँ, आज करंतीना मेरा छठा दिन है। मेरी बेटी ने असल बहुत जज्बाती है, मुश्किल पे जाकर पे रखी। मेरी बेटी ने आज अपने नन्हे ने हाथों से मेरे लिए एक पेंटिंग बनाई है। पेंटिंग के साथ व्हाट्सएप पर एक पैगाम भी भेजा है। ये मौसम बहार की तस्वीर है। वादिये गुलपोश में दरख्त की टहनियाँ रंग बिरंगे फूलों से लदी हुई हैं। उसकी रह गुजर में गुलों का फर्श है और मेरी बेटी मेरा हाथ पकड़ कर उस रास्ते से गुजर रही है। मुश्किल हो जाएगा। हजरत जनाबे मोहम्मद शाहिद खान ने उस वबा के हवाले से अपने तासरात का इजहार किया जिसमें ज़िंदगी के हवाले से उनके नज़रियात में जो तब्दीली आई और जो कुछ उन्होंने मर्ज में मुब्तला होने के बाद देखा और जिसको जितनी खूबसूरती से उन्होंने बयान किया और लोगों के जो इनके पास फ़ोन आए पैगाम आए उससे उसमें एक बात जो मैंने महसूस की कि मैं चूँकि मैं लगातार पढ़ता था और मैं इन्हें कहता भी था कि अगली किस्त का मुझे इंतज़ार है, तो गोया एक तरह से मैं इनको तरगीब भी देता था। एक जो मुझे सबसे बड़ी खूबी नज़र आती है वो ये है कि इनके यहाँ वाकये को या कोई अफसानवी बात भी ये कहते हैं तो उसमें एक हकीकी रंग पैदा कर देते हैं और जो तसलसल होता है वो कहीं मुतासिर नहीं होता। यानी ये नहीं है जैसे वो शौरी तौर पे कोई आम चीज़ बहुत कोशिश करके कब्ज़ के मरीज़ वाली कैफियत में मुब्तला होकर लिख रहा है, वो वाली बात नहीं है। बहुत ही सलासत और बहुत सलासत बहुत रवानी और अपने मफहूम को अदा करने पे कुदरत और अरबी चाशनी तो ज़ाहिर है कि उसका सबने एतराफ़ किया है। अब हमारे जो मेहमान हैं आज की इस तकरीब के, इससे पहले कि मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज़ हो, शोरा को काफ़ी दिनों के बाद मौका मिला है। कई लोगों को मैंने फ़ोन किया तो उनका फ़ोन नहीं उठा, उसमें हमारे मोहतरम दोस्त हसीब भाई भी शामिल हैं। ऐसा लग रहा था कि बाज़ार बहुत दिनों के बाद खुला है और सब लोग तैयारी में मसरूफ़ हैं। तो मुशायरे इसकी फ़ौरन बाद मुशायरे का प्रोग्राम है, आप ज़रा जानते हैं, और शोरा भी बहुत ही काफ़ी दिनों से उनका कोई बरह रास्त आमल नहीं हुआ सामईन से, लिहाजा ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे पहले गुजारिश करना चाहूँगा मेहमान एजाज़ी डॉक्टर सरोमान सिद्दीकी नदवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस किताब के हवाले से और आज की तकरीब के हवाले से अपने तासुरात का इजहार करना है। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد صدر محفل مہمان خصوصی آج کی تقریب کی جو منعقد کی گئی ہے اس کے شہنشاہ کہہ لیجیے دولہا میں نہیں کہوں گا جناب شاہد خان صاحب और आप सभी हजरात दूल्हा कहने में तीसरे का अंदेशा है, सही कह रहे हैं। तो आज की तकरीब के जो शहंशाह हैं उनके वो भी हमारे मुखातब है और सभी हजरात, जैसा कि आप हजरात जानते हैं आज की तकरीब जो है वो बहुत खसूसी और अहम तकरीब है करोना के हवाले से।
कोरोना के हवाले से तकरीबात का इनेकाद तकरीबन जो है वो बंद हो चुका है और अरसे से बंद है। अगर तकरीबात हो भी रही है तो काफ़ी तवील अरसे के बाद जूम पर और ऑनलाइन पर तकरीबात शुरू हुई। ये कोरोना का एक मुस्बत पहलू था कि उसने जो है वो एक नई जहत एक नया रुख अदा किया और उससे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया और तकरीबात मुनक़िद की। इससे ये भी पता चलता है कि जो लोग ज़ौक़ रखते हैं वो अपने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए और उसके इजहार के लिए कोई ना कोई तरीका कोई ना कोई उसको ईजाद कर लेते हैं और ज़रूरत ईजाद की माँ होती है और इसका एहसास जो है बखूबी हमको इस दौरान हुआ। आज की तकरीब जो है वो इस हवाले से बहुत अहम है कि हम तकरीबन इस एहसास का शिकार हो चुके हैं इस वक्त या इस एहसास में मुब्तला है कि कोरोना जो है वो ख़त्म हो चुका है। अमली तौर पर जो दहशत जो खौफ जो शिद्दत एहतियात थी और जो एक दूसरे से दूरी और एक दूसरे से फासला बरकरार था वो अमली तौर पर तकरीबन पूरे माशरे से ख़त्म होता नज़र आ रहा है। अब वो बात नहीं है जो बशीर बदर ने कही थी कि ज़रा फासले से मिला करो, अब लोग मिलने भी लगे हैं और आज की तकरीब में ज़माने के बाद लोगों से हाथ मिलाकर ये एहसास हुआ कि अभी लोगों के अंदर ज़िंदगी की हरारत और बाकी है और वो किसी किस्म की कोई भी वबा हो या कोई भी चीज़ हो वक्ती तौर पर दब तो जाती है लेकिन ख़त्म नहीं होती और इसका आज का इजहार हो रहा है। और इस सिलसिले में खसूसी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जनाब शाहिद साहब के, उन्होंने इसका इस तकरीब का इनेकाद किया। ज़िंदगी के सिलसिले में हमारे दरमियान जो उलमा के और दानिशवरों के मुफक्किरीन के जो नज़रियात हैं वो अपनी जगह, लेकिन शोराए कराम के नज़दीक ज़िंदगी जो है वो हमेशा मौजू रही है और उर्दू शायरी ने हमेशा ज़िंदगी को मौजू बनाकर बहुत लाजवाब अशार कहे और बहुत खूबसूरती के साथ जो है ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अकायद की और मुख्तलिफ़ जावियों की तर्जमानी की है। और सबसे बेहतर तर्जमानी जो है वो उसका इजहार जनाब शाहिद साहब की इस किताब से हो रहा है अदबी हवाले से कि उन्होंने इस फिज़ा में इस कैफियत में जहाँ तमाम तर मायूसी की कैफियत थी ज़िंदगी की अगली सांस का भरोसा नहीं था उन्होंने न सिर्फ अपने हौसले को बरकरार रखा बल्कि पूरी शगुफ्तगी के साथ अपनी हिम्मत को बरकरार रखा और लोगों के लिए हौसला अफजा कलिमात कहे और जो है अपने उसलूब से अपनी फिक्र से अपनी सोच से जो है लोगों को मुस्तफीद किया। ये किताब के सिलसिले में जो मजमून पढ़ा गया है जो आप लोग मजीद जो इस सिलसिले में तासरा समाज फरमाएँगे उससे इसका अंदाज़ा होगा। हम उर्दू शायर का ये शेर आपकी सुनने में ज़रूर पेश करेंगे इस किताब के हवाले से कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। जनाब शाहिद साहब ने इंतहाई मायूसी की कैफियत में इस शेर को साबित किया है अपनी तहरीर से अपनी फिक्र से अपने मिजाज से और जो किताब मुरतब की है उससे लोगों को बड़ा फ़ायदा पहुँचा और आज एक ऐसी किताब का रस्म इजरा है जिसका मजमून जो है वो कबल तशस बाम हो चुका है और लोग उससे पहले ही से फ़ायदा उठा चुके हैं और आज उसका रस्म इजरा जो है वो रस्मी तौर पर अंजाम दिया जा रहा है। जहाँ तक उसके मुताले के ताल्लुक था लोग जो है उससे फ़ायदा उठा चुके हैं और अब जो छप कर आ गई है तो वो लोग भी फ़ायदा उठाएंगे जिनकी पहुँच जो है वो सोशल मीडिया तक नहीं थी। तो ये तकरीब इस हवाले से ही बहुत अहम है कि हमको ये एहसास हो रहा है कि आज कोरोना ख़त्म हो गया लेकिन एहतियात बाकी है और एहतियात बाकी रखना भी चाहिए ये गवर्नमेंट की तरफ से भी मतलूब है। और एक बहुत अहम हवाला जो गुफ्तगू में आना चाहिए था कि कोरोना को डील करने के लिए जो मुख्तलिफ़ सतह पर कोशिशें अंजाम दी गई हैं मुख्तलिफ़ हुकूमतों के सिलसिले में हमारी कतर की हुकूमत ने इस सिलसिले में बेहतरीन नज़्म किया है इस बात का एतराफ़ किया जाना चाहिए और इस बात का तजर्बा हमने से कई लोगों को होगा जो कोरोना के शिकार हुए हैं। बेइंतहा खिदमत की है कतर की हुकूमत ने और बहुत आला पैमाने पर खिदमत की है और एक एक मरीज़ के लिए एक एक नर्स का इंतखाब किया है और उसको जो है मुस्तकिल मुराकबे में रखा है मरीज़ को और उसके लिए हर तरह का आराम पहुँचाया है। तो इस बात का भी बड़ा किरदार है इसमें कि यहाँ की कतर में कोरोना की जो फिज़ा शुरू में थी जिसका शिकार हमारे शाहिद साहब हुए वो फिज़ा शुरू में इब्तदान कायम थी लेकिन उसके बाद ये फिज़ा तब्दील हो गई और कोरोना में जाने वाले लोग जो उतना खौफजदा नहीं थे और वहाँ रहकर उतने मायूस नहीं थे जितने शुरू में थे वो चीज़ जो है वो आखिर वक्त में आकर ख़त्म हो गई और इसमें कतर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। उसने हर सतह पर जो है वो अच्छा नज़म किया और कोरोना के मरीजों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की और बहुत लोगों को जो है अपने इलाज से फ़ायदा पहुँचा। यही वजह है कि यहाँ जो है वो कोरोना से मुतासर होकर ज़िंदगी को खैराबाद कहने वालों की शरह बहुत कम है, बहुत कम थी
और ये इस गवर्नमेंट की खसूसी नज़्म और इसका वो है कि उसने जो है बड़ा जो है वो मसीहाई की एक हवाले से और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। और शाहिद साहब ने जो है अपनी कोरोना डायरी में जो लिखा है उसमें इस पहलू को भी अगर थोड़ा सा उजागर कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। हो सके तो आइंदा इशात में इसका इजाफा कर दिया जाए कि हुकूमत ने इसको डील करने में जो खिदमत अंजाम दी है वो यहाँ के डॉक्टरों ने, यहाँ की नर्सों ने, यहाँ के सोशल तबके ने और यहाँ की हुकूमत के अफराद ने कोरोना मरीजों के साथ जिस एहतराम का बर्ताव किया है, हमारे यहाँ कोरोना मरीजों के साथ नफरत का इजहार किया गया और बेतवज्जुही और बेइज्जती का मामला किया गया, कम अज़ कम यहाँ पर यह बात नहीं थी और बहुत एहतराम के साथ मरीजों को रखा गया, उनकी खिदमत की गई, तो इस बात का एतराफ़ भी ज़रूरी है। हम शाहिद साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक सख्त मरहले में जो है अपने आप को ज़िंदा रखा, अपने शगुफ्ता मिजाजी को ज़िंदा रखा, अपने उसलूब को ज़िंदा रखा और अपनी फ़िक्र को ज़िंदा रखा। शाहिद साहब की ये किताब जो है वो कोरोना मरीज की डायरी के नाम से मौसूम तो ज़रूर है, लेकिन शाहिद साहब ने इस किताब के अंदर उस ज़िंदगी की हकायक का और उस ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों का तज़िया किया है और बहुत से ऐसे तल्ख हकायक पेश किए हैं इशारों में, इस्तियारों में, किनायों में, जिससे हम रोज़ाना दुचार होते रहते हैं और उसको महसूस नहीं करते। शाहिद साहब ने अपनी तहरीर के ज़रिए माशरे की तल्ख तरीन हकीकतों को जो है वो शगुफ्ता अंदाज में इसमें पेश किया है और उसको जो है वो कह सकते हैं कि शहद में मिला करके जो है माशरे की तल्ख हकीकतों को पेश किया है। हम खसूसी तौर पर मुबारकबाद देते हैं गवर्नर जी हवालों जिन बातों की तरफ बैन सतूर में इशारा किया है और जिन बातों को इस्तियाराती अंदाज में लिखा है वो काबिल कदर हैं, उनके हवाले भी काबिल कदर हैं और हमें उसका एतराफ़ करना चाहिए और उसका एहसास करना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं किसी और बात का बात को तवील तूल नहीं लेना चाहता। फिर एक बार सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि सब लोग अरसे दराज के बाद जमा हुए, एक दूसरे की मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, जज्बात का तबादला हुआ, एहसासात का तबादला हुआ, ख्यालात का तबादला होगा इंशाल्लाह। और ये तकरीब जो है वो तकरीबन जैसा कि कहा गया कि 9 महीने के बाद मुनक़िद हो रही है, तो 9 महीने के बाद जो तकरीब मुनक़िद हो रही है उसमें जो है इंशाल्लाह बहुत इम्कान हैं और जो इम्कान नज़र आए हैं उसके लिए हम सब सारे सलामत खान साहब तकरीब और सदर मोहतरम की इजाज़त से यहाँ से तकरीब का जायका बदलने जा रहा है और शायरी की शुरुआत होने जा रही है, तो जो शोरा हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जो गैर शोरा हजरात हैं वो ज़रा इत्मीनान से बैठे हैं, 9 महीने के बाद आप शायरों के हाथ लगे हैं। शायरों के हाथ लगे हैं, हाँ, इसलिए जाहिर है कि एक लंबी मुद्दत तहत इन्होंने गुजारी है और वो जो एक मिसरा है बड़ा मशहूर कि अब आ गए हो तो आओ तुम्हें हलाल करें, तो कहीं वो कैफियत से आपको दो चार होना पड़े, इसलिए ज़हनी तौर पे आप तैयार हो जाइए। हज़रात, दोहा के अदबी व शेरी रवायात, दोहा की अदबी व शेरी रवायात, पहाड़ों पे पड़े बर्फ के कालों की मिसल फरोज़ा व ताबा है, जिन्हें सूरज की किरने और भी निकाल बख्शती है। ये और बात है कि वो नरम काले कड़ी धूप के सबब पिघल भी जाते हैं, लेकिन कुदरत का हुस्न कमाल है कि कुदरत का उसने कमाल ये है कि जैसे बर्फ़ के गाले साथ ब साथ दरख्तों, सब्ज़ाज़ारों और पहाड़ों पे गिरते हैं तो गोया एक सफ़ेद चादर सी तन जाती है, और इस तरह शोरा का काफिला अदबी मंजरनामे पे उभरता है और शेरी रवायात को चकाचौंध कर देता है। आज जो यहाँ शोरा मौजूद हैं वो यकीनन शेरी रवायात के अलमबरदार हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और इन चार मिसरों के साथ मुशायरे का आगाज़ करता हूँ कि ये हमसे पूछिए किस तरह शेर होते हैं, ये हमसे पूछिए किस तरह शेर होते हैं कि हम सहर की अजानों के बाद सोते हैं, कि हम सहर की अजानों के बाद सोते हैं, करख्त लहजे भी हमको बुरे नहीं लगते, हम अपने ज़ख्मों को तेज़ाब से भी धोते हैं। मुअद्दबाना इल्तमास करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका मुतरन्निम आगाज़ हो, इसलिए एक मुतरन्निम शायर की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर वसी अहमद वसी साहब से मुअद्दबाना मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और आज की इस
शेरी तकरीब का अपने अपनी गजल से आगाज फरमाएं, नगमा रेज आगाज। मैं मौद्दवाना मुल्तमिस हूँ जन डॉक्टर वसी अहमद वसी साहब से। मुबारकबाद इस कोरोना वायरस की डायरी इस किताब के लिए। मैं तरन्नुम में न पेश करके तहत लज़्म पेश कर रहा हूँ। एक गज़ल के चंद अशआर शुरू में मुझे आज दो लोगों ने टोक दिया कि कुछ नया लिख कर लाए हो। तो मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है कि मैं कुछ नया ही पेश करूँ, लेकिन आज भी मैं नया ही इंशाल्लाह पेश करूँगा। मतलब का शेर यह है कि बुलंदियों से गिराता है बार बार मुझे, बुलंदियों से गिराता है बार बार मुझे, कोई तो है जो बनाता है पायदार मुझे। बुलंदियों से गिराता है बार बार मुझे, कोई तो है जो बनाता है पायदार मुझे। और शेर देखें कि ये संगो खिश्त की दीवार एक धोखा है, ये संगो खिश्त की दीवार एक धोखा है, दिखाई देता है जिंदा के आर पार मुझे। बहुत शुक्रिया। ये संगो खिश्त की दीवार एक धोखा है, दिखाई देता है जिंदा के आर पार मुझे। और शेर देखें कि उड़ा के ले गई आधी बदन से पैरान, उड़ा के ले गई आधी बदन से पैरान, लिबास दे गया उड़ता हुआ गुबार मुझे। उड़ा के ले गई आधी बदन से पैरान, लिबास दे गया उड़ता हुआ गुबार मुझे। और ये शेर देखने की मिजाज रखता हूँ खुद ने ही आफताब समय, मिजाज रखता हूँ खुद में ही आफताब समय, नरास आएगा ये नूरे मुस्तार मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। मिजाज रखता हूँ खुद में ही आफताब समय, नरास आएगा ये नूरे मुस्तार मुझे। और ये शेर भी देखने की शिकस्तो रेख्त के फन से मैं खूब वाकिफ हूँ, शिकस्तो रेख्त के फन से मैं खूब वाकिफ हूँ, असीर कैसे करेगा कोई हिसार मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। शिकस्तो रेख्त के फन से मैं खूब वाकिफ हूँ, असीर कैसे करेगा कोई हिसार मुझे। और ये जहान भर में है अनमोल सादगी मेरी, जहान भर में है अनमोल सादगी मेरी, तकल्लुफात की बाजी में यूं ना हार मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक शेर और देख लें कि बिखेर दूंगा बिखरने से कब्ल रंगो हूँ, बिखेर दूंगा बिखरने से कब्ल रंगो हूँ, मैं एक फूल हूँ खुद पे है एतबार मुझे। बिखेर दूंगा बिखरने से कब्ल रंगो हूँ, मैं एक फूल हूँ खुद पर है एतबार मुझे। और एक शेर भी देखने कि फराग हो तो कभी झांक मेरे बातिन में, फराग हो तो कभी झांक मेरे बातिन में, शहादतों के एवज करना संगसार मुझे, शहादतों के एवज करना संगसार मुझे। और ये मक्ते का शेर देखने की उसी जमाने से रखनी है मुझको एक दूरी, उसी जमाने से रखनी है मुझको एक दूरी, ताल्लुकात भी रखना है उस्तवार मुझे, ताल्लुकात भी रखना है उस्तवार मुझे।
एक गजल के चंद अशआर और मुराजा तरन्नुम से नहीं पेश कर पाऊंगा क्योंकि मिजाज नहीं बन पा रहा है। बस शायद भाई को क्योंकि तामिल में आया हूँ और मैं चूँकि हाँ दीदी की तबीयत नहीं सही, मैं वापस भी चला जाऊँगा इंशाल्लाह पेश करके। तो चूँकि उनकी हुक्म की तामील है आने के बाद उन्होंने मुझे याद किया तो मैं आ गया। ठीक है तो मैं चंद अशआर का तल्लुक नहीं पेश करके मैं तैयारी नहीं। देखेंगे हाल होता है शजर का जो समर से पहले, हाल होता है शजर का जो समर से पहले, था मेरा हाल वही इल्मो हुनर से पहले, था मेरा हाल वही इल्मो हुनर से पहले। और इसे तो जो चाहूँगा जो हसन साहब के चाँद के कुर्ब ने बदला है समंदर का मिजाज, चांद के कुर्ब ने बदला है समंदर का मिजाज, सादगी और ही थी जेरो जबर से पहले। बहुत शुक्रिया। चांद के कुर्ब ने बदला है समंदर का मिजाज, सादगी और ही थी जेरो जबर से पहले। और ये शेर देखें कि आओ आज दुनिया को मोहब्बत की जरूरत है बहुत, आज दुनिया को मोहब्बत की जरूरत है बहुत, आज दुनिया को मोहब्बत की जरूरत है बहुत, आओ आगाज करें अपने ही घर से पहले। आज दुनिया को मोहब्बत की जरूरत है बहुत, आओ आगाज करें अपने ही घर से पहले। और शेख देखें कि शाखे मिजगां पे धुए की है लकीरें अब भी, शाखे मिजगां पे धुएं की है लकीरें अभी, मैंने कुछ ख्वाब जलाए थे सहर से पहले, मैंने कुछ ख्वाब जलाए थे सहर से पहले। शाखे मिसगां पे धुएं की हैं लकीरें अभी, मैंने कुछ ख्वाब जलाए थे सहर से पहले। और शेर देखिए बिलयकी शर्त रियाजत है सआदत के लिए, बिलयकी शर्त रियाजत है सआदत के लिए, यूं तो मिलती नहीं मंजिल भी सफर से पहले, यूं तो मिलती नहीं मंजिल भी सफर से पहले। और शेर देखें कि इसी वहम पे मैं राह बदल देता हूँ, इसी वहम पे मैं राह बदल देता हूँ, कोई गुजरा ना हो इस राह गुजर से पहले, इसी वहम पे मैं राह बदल देता हूँ, कोई गुजरा ना हो इस राह गुजर से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेख देखें कि इन परिंदों का जहां सिर्फ शजर ही तो नहीं, इन परिंदों का जहां सिर्फ शजर ही तो नहीं, वे ठिकाना तो नहीं थे ये शजर से पहले, इन परिंदों का जहां सिर्फ शजर ही तो नहीं, वे ठिकाना तो नहीं थे शजर से पहले। और मक्ते का शेख देखने की अहले दिल मेरी निगाहों में वसी हैं वो लोग, अहले दिल मेरी निगाहों में वसी हैं वो लोग, देख लेते हैं दिलों से जो नजर से पहले, अहले दिल मेरी निगाहों में वसी हैं वो लोग, देख लेते हैं दिलों से जो नजर से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 हज़रात। डॉक्टर वसी अहमद वसी साहब ने बहुत ही तेवर में दो गज़लें आपको सुनाई और आपने उन्हें दादो तहसीन से भी नवाजा। मुझे तो ताज्जुब है कि अहलिया की तबीयत की ख़राबी के बावजूद इनके लहजे में इतना ज़ोर और इतनी ताकत और इतनी तवानाई कहाँ से आई थी। बहरहाल तो हम ये चाहते थे कि तरन्नुम में वो पढ़ें, लेकिन तरन्नुम में ना पढ़ने का इल्ज़ाम उन्होंने अपने अहलिया के सर रख दिया और दहेज में जिस जोश व जज्बे के साथ पढ़ा है उससे उनके इल्ज़ाम की तायीद नहीं हो पाई। बहरहाल हजरात हजरात ऐसा है कि
अभी अभी मैंने एक शख्सियत को उनके एक मखसूस फन के हवाले से यहाँ पेश किया था, अब मैं चाहता हूँ कि उनकी शख्सियत का एक दूसरा रुख भी आपके सामने आए, क्योंकि आप उससे वाकिफ हैं, लेकिन मैं हैसियत नाज़िम तारुफ कराना मेरा फर्ज़ बनता है, लिहाजा वो रस्म मैं अदा कर रहा हूँ, वो ज़िम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। मैं बहुत ही एहतराम और अदब के साथ जनाब ताहिर जमील साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। इफ्तिखार आरिफ के इन चार मिसरों के साथ उम्मीद व बीम के महवर से हट के देखते हैं, उम्मीद व बीम के महवर से हट के देखते हैं, ज़रा सी देर को दुनिया से कट के देखते हैं, बिखर चुके हैं बहुत बाग व दश्त व दरिया में, अब अपने हुजरे जामे से मट के देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेख साहब, मैं सबसे पहले तो शाह खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो है क्वारंटाइन में रहते हुए एक बेहतरीन किताब लिखी और अपने जो है वक्त को उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, तो यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जो मैंने आयत पेश की वो भी एक शुक्रगुजारी की है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने उन्हें जो है वो इस बीमारी से जो है वो निजात दिलाई और वो सहतियाब हुए, तो इस पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। और हम दुआ करते हैं कि जितने भी लोग इस मुझी बीमारी में मुबतला हैं अल्लाह उन्हें शिफा कामला नसीब करे, और जो लोग वफात पा चुके हैं अल्लाह ताला जो है उनकी मदद करे और उनके दर्जात बुलंद करे। सदर की इजाज़त है तो अशआर, फिर उसके बाद एक मुख्तसर गज़ल, काफ़ी अर्थ से लिखना बंद कर दिया है लेकिन पहले कुछ लिखे थे अशआर में पेश करता हूँ। छुपा के दिल में गमों का जहान रखता है, छुपा के दिल में गमों का जहान रखता है, खुशी के फिर भी बज़ाहिर गुमान रखता है। छुपा के दिल में गमों का जहान रखता है, खुशी के फिर भी बज़ाहिर गुमान रखता है। बाद मुद्दत के मिले हो, आज हम काफ़ी ज़माने के बाद मिले, बाद मुद्दत के मिले हो तो गले लग के मिलो। कोरोना में मना करते हैं अपने साथ से, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। बाद मुद्दत के मिले हो तो गले लग के मिलो, ऐसे लम्हे को हंसी याद बना दो साहेब, ऐसे लम्हे को हंसी याद बना दो साहेब। तो कुछ पुराने शार हैं, वैसे बागेदा में शायर तो नहीं हूँ लेकिन इफ्तिखार आरिफ साहब और इशराक साहब और कैसर साहब, इन लोगों की मेहरबानी है और उसमें जो है मैं इससे पहले कि दूसरा शायर कहूँ ये एक याद आ रहा है बज़्म में अदब, है बज़्म में अदब, एक इधर एक उधर भी, आप इसको बज़्म में उर्दू भी कह सकते हैं, है बज़्म में अदब एक इधर एक उधर भी, उर्दू फले फूले यही मर्जी है खुदा की, उर्दू फले फूले यही मर्जी है खुदा की। है वक्त खुशी बात न कर रंजो बला की, है वक्त खुशी बात न कर रंजो बला की, खुशबू की चले बात तो कर बात सबा की। है वक्त खुशी बात न कर रंजो बला की, खुशबू की चले बात तो कर बात सबा की। मैं दुश्मन इखलास व मुरव्वत ही सही दोस्त, मैं दुश्मन इखलास व मुरव्वत ही सही दोस्त, कुछ कर्ज तो करते मेरे इज़हार वफा की। मैं दुश्मन इखलास व मुरव्वत ही सही दोस्त, कुछ कर्ज तो करते मेरे इज़हार वफा की। सच्चाई छुपाने की मुझे क्या है जरूरत, सच्चाई छुपाने की मुझे क्या है जरूरत, रख ले जो अगर लाज खुदा मेरी दुआ की। सच्चाई छुपाने की मुझे क्या है जरूरत, रख ले जो अगर लाज खुदा मेरी दुआ की। है बज़्म में अदब एक इधर एक उधर भी, उर्दू फले फूले यही मर्जी है खुदा की। आंखों में कटी रात यही सोच रहा हूँ, आंखों में कटी रात यही सोच रहा हूँ, अब फायदा क्या नींद भी कर आए बला की। आंखों में कटी रात यही सोच रहा हूँ, अब फायदा क्या नींद भी कर आए बला की। बदले हैं जमाने कहीं कौम में हुई मदफून,
बदले हैं जमाने कहीं कौमें हमें मदफून, बाकी है मगर जात फकत एक खुदा की। बदले हैं जमाने कहीं कौमें हमें मदफून, बाकी है मगर जात फकत एक खुदा की। बस अपने गुनाहों पे पशेमानी है लाजिम, बस अपने गुनाहों पे पशेमानी है लाजिम। ताहिर नहीं है शक्ल कोई खास सदा की, उर्दू फले फूल ही मर्जी है खुदा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जनाबे ताहिर जमील साहब के दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने बहुत ही शुश्ता गज़ल पेश की। हजरात, इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए, उर्दू ज़बान की तरवीज में मुशायरों का और इस तरह की नशिस्तों का बहुत बड़ा किरदार रहा है, और इसने न सिर्फ ये कि हमें ज़बान व अदब सिखाया बल्कि हमारी तहजीबी रवायात की भी हिफाजत की नशिस्तों ने की है। आज यहाँ जितने भी शोरा मौजूद हैं या सामईन मौजूद हैं, वो उर्दू ज़बान व अदब से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे एक नज़्मनुमा गज़ल मिली है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे समाअत करें, उसके बाद फिर मैं दूसरे शायर को, अगले शायर को बुलाता हूँ। उर्दू को फ़ारसी ने शराबी बना दिया, उर्दू को फ़ारसी ने शराबी बना दिया, अरबी ने उसको ख़ास तुराबी बना दिया। अहले ज़बान ने उसको बनाया बहुत सकील, पंजाबियों ने उसको गुलाबी बना दिया। दिल्ली का इसके साथ है टकसाल का सलूक, और लखनऊ ने इसको नवाबी बना दिया। बख्शी है कुछ करख्तगी इसको पठान ने, इस हुस्ने हूरबन को सवाबी बना दिया। बातों में इसकी तुर्की पर तुर्की रखे जवाब, यूं तुर्कियों ने उसको जवाबी बना दिया। किस्मत की बात आई जो तुरानियों के हाथ, सबकी नजर में इसको खराबी बना दिया। हर्फे तहजी सारी जबानों के डाल कर उर्दू को सब जबानों की चाबी बना दिया। हर्फे तहजी सारी जबानों के डाल कर उर्दू को सब जबानों की चाबी बना दिया। हम और इर्तका इसे देते भी क्या हुई, इतना बहुत है इसको निसाबी बना दिया। आज की इस नशिश में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है, और मैं अगले शायर जनाब राशिद आलम राशिद साहब से गुजारिश करता हूँ इफ्तखार आरिफ के चार मिसरों के साथ। कोई मुस्दा न बशारत न दुआ चाहती है, कोई मुस्दा न बशारत न दुआ चाहती है, रोज एक ताज़ा खबर खल्क खुदा चाहती है। मौजे खूं सर से गुजरनी थी सो वो भी गुजरी, और क्या पूछा है कातिल की हवा चाहे। अस्सलाम वालेकुम। सुना उसे तो की याद से बहुत अरसे के बाद ये मौका मिला है। वक्त की कोई पाबंदी नहीं, 9 महीने की तलाशी होनी चाहिए। इसीलिए लंबा से चार मिश्रा। खुद को सूरज वो समझता है, समझने दीजिए। खुद को सूरज वो समझता है, समझने दीजिए। अपनी औकात में आ जाएगा, ढलने दीजिए। अपनी औकात में आ जाएगा, ढलने दीजिए। ये क़यादत ये सियासत ये हुकूमत का बार, ये क़यादत ये सियासत ये हुकूमत का बार, आपके बस का नहीं आप तो रहने दीजिए। आपके बस का नहीं आप तो रहने दीजिए। शुक्रिया। चल इसलिए तू अगर चाहे तो बस एक इशारा कर दे, तू अगर चाहे तो बस एक इशारा कर दे, एक जर्रे को उठाए तो सितारा कर दे, एक जर्रे को उठाए तो सितारा कर दे। अब तो साहिल पे है कज़ा के अजल का खतरा, अब तो साहिल पे है कज़ा के अजल का खतरा, हमको मौजों के हवाले ही दोबारा कर दे।
हमको मौजों के हवाले ही दोबारा कर दे, और एक कोरोना के हवाले से चार मिसरे, खून ना हक के असर और दुआ से निकली, खून ना हक के असर और दुआ से निकली, एक वबा जुल्म जफा और अना से निकली, सर तकबर का झुका टूट गया उसका गुरूर, सर तकबर का झुका टूट गया उसका गुरूर, राह दरिया में जो एक जरबे असा से निकली, राह दरिया में जो एक जरबे असा से निकली, और एक गजल, चांदनी चाहे माहताब की है, चांदनी चाहे माहताब की है, जो भी रौनक है आफताब की है, चांदनी चाहे माहताब की है, जो भी रौनक है आफताब की है, पर शेर की सारी दुनिया की सैर कराए, सारी दुनिया की सैर कराए, फिर भी हरकत वही जनाब की है, शुक्रिया, सारी दुनिया की सैर कराए, फिर भी हरकत वही जनाब की है, और ये शेर के मैं तो बस नकल कर रहा था इसे, मैं तो बस नकल कर रहा था इसे, ये इबारत तेरी किताब की है, मैं तो बस नकल कर रहा था इसे, ये इबारत तेरी किताब की है, और ये शेर की ये जो हालत हुई गुलिस्तां की, ये जो हालत हुई गुलिस्तां की, ये तो ताबीर तेरे ख्वाब की है, शुक्रिया, ये जो हालत हुई गुलिस्तां की, ये तो ताबीर तेरे ख्वाब की है, और ये शेर की किस कदर है वो फूर हसरत दिल, किस कदर है वो फूर हसरत दिल, उम्र हसरत हर एक हुबाब की है, उम्र हसरत हर एक हुबाब की है, और ये शेर के साथिया तू मुझे अता कर दे, साथिया तू मुझे अता कर दे, जो भी सहबा तेरे हिसाब की है, साथिया तू मुझे अता कर दे, जो भी सहबा तेरे हिसाब की है, और गजल तहील बहर की, मतलब है राहे महजिल राहे मंजिल में कांटे हैं शोले भी हैं, और हम सबको चलना जरूरी भी है, राहे मंजिल में कांटे हैं शोले भी हैं, और हम सबको चलना जरूरी भी है, मसला है वजूद और आईन का, तो घरों से निकलना जरूरी भी है, मसला है वजूद और आईन का, तो घरों से निकलना जरूरी भी है, और शेर की अजदहे नफरतों के निकलने लगे, शहर के शहर को अब निकलने लगे, अजदहे नफरतों के निकलने लगे, शहर के शहर को अब निकलने लगे, हमको जीना है अमनो सुकून से अगर, तो सरों को कुचलना जरूरी भी है, शुक्रिया, हमको जीना है अमनो सुकून से अगर, तो सरों को कुचलना जरूरी भी है, और ये शेर, ये जो आंखों में आतिश कशां है जवां, जब फटेगा कयामत ही आ जाएगी, ये जो आंखों में आतिश कशां है जवां, जब फटेगा कयामत ही आ जाएगी, जुल्म की टहनियों को जलाना है तो आग का दिल में जलना जरूरी भी है, शुक्रिया, जुल्म की टहनियों को जलाना है तो आग का दिल में जलना जरूरी भी है, और ये शेर कि कौन सुनता है तेरी ये आहो फुगां, तुम तो नौहा गली से मचाते हो गुल, कौन सुनता है तेरी ये आहो फुगां, तुम तो नौहा गली से मचाते हो गुल, चाहते हो सुने गर जमाना तुम्हें, अपनी सूरत बदलना जरूरी भी है, चाहते हो सुने गर जमाना तुम्हें, अपनी सूरत बदलना जरूरी भी है, और ये शेर की आज का आज उसका सूरज है रोशन बहुत आजकल, उसका सूरज है रोशन बहुत आजकल, वो खुदा ना कहीं खुद समझने लगे, उसका सूरज है रोशन बहुत आजकल, वो खुदा ना कहीं खुद समझने लगे, उसको रखना है अगर उसकी औकात में,
चढ़ते सूरज का ढलना जरूरी भी है। बहुत शुक्रिया। उसको रखना है अगर उसकी औकात में, चढ़ते सूरज का ढलना जरूरी भी है। एक और गजल और एक नज़्म, उसके बाद जा चाहूंगा। एक और गजल, उसके बाद वो जमीन पर था मगर वो आसमान लगने लगा। वो जमीन पर था मगर वो आसमान लगने लगा। उसका सर पर हाथ जैसे साहिबा लगने लगा। नफरतों के बीच मैं और एक सहरा रेत का, नफरतों के बीच मैं और एक सहरा रेत का, क्या मिली उसकी इनायत आशियां लगने लगा। और शेर के शक्ल सूरत से बहुत वो खूबसूरत ना सही, शक्ल सूरत से बहुत वो खूबसूरत ना सही, रहते रहते साथ मुझको जाने जा लगने लगा। बहुत शुक्रिया। बर्दाश्त की आदत पढ़ी गई। शुक्रिया। और आखिरी शेर के, थे वतन से दूर लेकिन दोस्तों के दरमियान, थे वतन से दूर लेकिन दोस्तों के दरमियान, रेत का सहरा भी हमको गुलशिता लगने लगा। रेत का सहरा भी हमको गुलशिता लगने। और आखिरी में नज़्म, उन्वान है कोरोना और इंसान। एक तूफान जो आया है गुजर जाएगा, छोड़ जाएगा बहुत अपनी तबाही का असर। एक तूफान जो आया है गुजर जाएगा, छोड़ जाएगा बहुत अपनी तबाही का असर। दुनिया वाले जो जरा देर ठहर जाएंगे, अमन वाले हैं हलाकत से तो डर जाएंगे। फिर वही होगा जो सदियों से है होता आया, वक्त मरहम है तो ये जख्म भी भर जाएगा। दुनिया वाले, दुनिया लिखेगी तबाही और हलाकत का हिसाब, हिफ्ज हो जाएगी तारीख में एक और किताब। कोई लिखेगा उसे खलके खुदा का कातिल, कोई जालिम कोई बेरहम उसे लिखेगा। कोई तो उसको मसीहाए जहां लिखेगा, कोई जालिम के गुनाहों की सजा लिखेगा। कोई दुनिया के खुदाओं की अना लिखेगा, कोई अंधा उसे दहशत की जुबान लिखेगा। अलगरत जैसा जहन वैसा कलम लिखेगा, तुम जो लिखना तो उसे सिर्फ कोरोना लिखना, उसके हाथों में एक इंसान को खिलौना लिखना। तुम जो लिखना तो उसे सिर्फ कोरोना लिखना, उसके हाथों में एक इंसान को खिलौना लिखना। बहुत बहुत नौ महीने की मुद्दत काफ़ी प्रोडक्टिव रही है माशाल्लाह। और जिस तवातुर और तसलसल और यह खुद एतमादी के साथ वो गज़ल के बाद गज़ल सुना रहे थे, मुझे ये खदशा लाहक था कि अगर इनकी तकलीफ दूसरे शोरा भी करने लगे तो गालिबन सुबह की नमाज यहीं पढ़ना होगी। हजरत, बहरहाल ये मुशायरा है और जाहिर है कि शायर को जब अच्छे सामईन मिल जाएं तो उसमें एक फितरी कैफियत पैदा हो जाती है, एक फितरी जज्बा पैदा हो जाता है, एक ललक पैदा हो जाता है अपने कलाम को अच्छे सामईन तक पहुंचाने के लिए। नासिक में भी जी ना। और अब चूँकि बहुत ही उन्होंने इनकलाबी रंग के भी अशार सुनाए और कोरोना के हवाले से भी एक नज़म सुनाई, तो माहौल कुछ संजीदा हो गया है। मैं चाहता हूँ कि माहौल का रंग बदला जाए। हजरत, किसी अंग्रेज़ ने कहा है, वो शायद ये T.S. Eliot का कॉल है कि नथिंग इन मैन इज़ मोर सीरियस दैन हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। इंसान में उसकी हिस्से मिजाज से ज़्यादा कोई संजीदा चीज़ नहीं होती। और मिजाज जब संजीदगी की इंतहा पे जाके सालेह मिजाज पैदा होता है, और उस सालेह मिजाज की नुमाइंदगी करने वाले दुआ में, मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि दुआ में अगर कोई मिजाज का शायर है तो वो अशफाक देशमुख है, दूसरा कोई और नहीं है। मैं उनसे तमाम करता हूँ। ये
खुद ही कहा था उसने और लिखा पढ़ा नहीं, खुद ही कहा था उसने और लिखा पढ़ा नहीं, पीएम बनाया तुमने उसकी खता नहीं, पीएम बनाया तुमने उसकी खता नहीं, और बातों बालों बिना ये सर मुझे लगता है इस तरह, बालों बिना ये सर मुझे लगता है इस तरह जैसे वो आसमान और उस पर घटा नहीं, जैसे वो आसमान और उस पर घटा नहीं, इसका बदला लिया जाएगा। और देखिए वर्क फ्रॉम होम बोलते सारे शोहर हजरत घर पे काम करने लगे, सारे शोहर हजरत घर पे काम करने लगे, तो शुरू में तो बीवियों को लगा कि वाह बड़ा अच्छा मौसम है, सारी फैमिली बच्चे वगैरह सब हैं घर में, बाद में उठता गई और चुपके चुपके से सहेलियों के पास अपनी माँ के पास फोन पर करके बात करने लगी। तो देखिए एक बात ऐसे हमारे साथ भी हुई कि बेगम ने मुझ पे देख के यूं फोन पर कहा, बेगम ने मुझ पे देख के यूं फोन पर कहा, इस वायरस की कोई भी अब तक दवा नहीं। बेगम ने मुझ पे देख के यूं फोन पर कहा, इस वायरस की कोई भी अब तक दवा नहीं। एक ऐसा कहना था उसके शोहर का, ऐसा कहना था उसके शोहर का, खाना लगता है अच्छा बाहर का, ऐसा कहना था उसके शोहर का, खाना लगता है अच्छा बाहर का, ये दिखाता हूँ मैं नहीं डरता, ये दिखाता हूँ मैं नहीं डरता, हाल किसको पता है अंदर का, ये दिखाता हूँ मैं नहीं डरता, हाल किसको पता है अंदर का, और चीख जब आ गई कोरोना में, चीख जब आ गई कोरोना में, पास बैठा था जो उधर सरका, पास बैठा था जो उधर सरका, और अब सुनो रात भर कई दर्दें, अब सुनो रात भर कई दर्दें, खाना खाया है तुमने शायद, अब सुनो रात भर कही कर ले, खाना खाया है तुमने शायर का, और ये शेर बतौर खास थोड़ा संजीदा शेर कहता हूँ कि आज स्टेज पे विराजमान है तो उनकी नजर करता हूँ कि उनकी नजमें पसंद करता हूँ, उनकी नजमें पसंद करता हूँ, फैन हूँ मैं अति कंजर का, देखिए एक के कुछ बहुत सही जगह इस्तेमाल किया, कुछ आपकी तरह थे जब जिंदगी में हमको कभी मसले मिले, जब जिंदगी में हमको कभी मसले मिले, बेगम से उल्टे सीधे कई मशवरे मिले, और कुछ आपकी तरह थे अड़े एक बात पर, कुछ यार इस जहां में मगर दोगले मिले, और सब मुश्किलें तो आपके हमराह आ गई, अच्छा हुआ कि आप हमें देर से मिले, और गुस्से से मैंने पटकी थी बेगम की साड़ियाँ, पर उसको क्या है, उसको तो कपड़े धुले मिले, अरे वाह क्या बात, उसको क्या है, उसको तो कपड़े धुले मिले, और अशफाक किस तरह किससे करता शिकायत में जुल्म की, अशफाक किससे करता शिकायत में जुल्म की, जालिम के साथ ही मुझे मुंसिफ खड़े मिले। और एक और शेर उसी तरह का देखिए कि इसके बाद मैं बात खत्म करूंगा कि सबको अता करे खुदा उर्दू के रहनुमा, इस पर हंसी नहीं एक संजीदा शेर है कि सबको अता करे खुदा उर्दू के रहनुमा, दोहा कदर को जैसे हसन चौगले मिले, देखिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मिजाज की शायर को बहुत संजीदगी के साथ सुनने की जरूरत है, न जाने कब वो कहाँ कोई ऐसी बात कह जाए जो संजीदगी की मेराज को सनद अदा करे। अभी उन्होंने जो बात कही वो अपनी जगह एक हकीकत है, मैं महाराष्ट्र में मुझे एक साल रहने का इत्तेफाक हुआ है, मैं बांगी दरा की इदारत करता था, उस दौरान मैं कोंकण भी गया और मैंने देखा कि इनकी खिदमात
क्या हैं वहाँ पे तालीमी, और कैसे हिंदू घरानों के की बच्चियाँ और बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं। और उसी ज़माने में एक मैंने देखा कि वो आई थी हिंदुस्तान टाइम्स में, एक हिंदू बच्ची ने, मराठी बच्ची ने उर्दू में पूरे स्टेट में टॉप किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है, और बिल्कुल बजा तौर पे हमारे अशफाक देशमुख साहब ने फरमाया, हसन जोगले साहब एक नेमत गैर मुतरक्बा की हैसियत रखते हैं, और इनका वजूद पहले उर्दू के लिए दोहा वालों के लिए नेमत है। हजरात, मैं अब यहाँ से एक ऐसे शायर को दावत देने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ जो अपनी नज़मों के हवाले से एक ख़ास रंग रखता है, और उसकी नज़में बैक वक्त इस्लामी खद्दोखाल की भी हामिल होती हैं और इंसानी अकदार का भी अहाता करती हैं, और बिलखुसूस उसलूब और तराकीब इतनी नादिर इस्तेमाल करते हैं कि मुझे कभी कभी शुबा होता है कि ऐसे संगीन मौजूआत को इतनी ज़बान की सादगी और उसलूब के निखार के साथ ये कैसे अदा कर लेते हैं। मेरी मुराद जनाब रोएस मुमताज़ साहब से है, मैं उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, जी पहले तो शाहिद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कोरोना डायन की रात किताब के लिए, उसमें जनाब सूरी आज, और शुक्रिया अदा भी करना चाह रहा हूँ कि हम सबको मिलने का मौका दिया। सदर साहब की इजाज़त से एक मुख्तसर सी गज़ल, फिर एक मुख्तसर सी नज़म, मुख्तसर होगी इंशाल्लाह दोनों। गज़ल का मतलब यूँ है, नज़म है उरिया निगारी, नज़म है उरिया निगारी, यानी सब कुछ है आया, नज़म है उरिया निगारी, यानी सब कुछ है आया, लुत्फ है तो है गज़ल में, कुछ आया है कुछ निहां, लुत्फ है तो है गज़ल में, कुछ आया है कुछ निहां, सीधा रास्ता था मगर उलझा दिया है शौक ने, सीधा रास्ता था मगर उलझा दिया है शौक ने, वरना राहे जिंदगी में मोड़ होता है कहाँ, वरना राहे जिंदगी में मोड़ होता है कहाँ, खुद शनासी खुद फरेबी कौन सा आलम है ये, खुद शनासी खुद फरेबी कौन सा आलम है ये, आईना खाना लगे है मुझको पत्थर का जहाँ, खुद शनासी खुद फरेबी कौन सा आलम है ये, आईना खाना लगे है मुझको पत्थर का जहां, मुझको कुरान में मिला है मेरे होने का सबूत, मुझको कुरान में मिला है मेरे होने का सबूत, क्यों किताब आती अगर होता नहीं कारी यहां, क्यों किताब आती अगर होता नहीं कारी यहां, इश्क का जज्बा बहुत सच्चा है ऐ रूमी, मगर रूमी कहते हैं कोई मुस्लिम कोई काफिर नहीं इश्क के भी में, इश्क का जज्बा बहुत सच्चा है ऐ रूमी, मगर झूठ से पर्दा उठाना भी है कारे आशिक, इश्क का जज्बा बहुत सच्चा है ऐ रूमी, मगर झूठ से पर्दा उठाना भी है कारे आशिक, मगता है देख कर रोएस तेरी फिक्र की गहराई को, देख कर रोएस तेरी फिक्र की गहराई को, पीर भी कहते हैं आखिर कौन है ये नौजवान। एक नज्म है, नज्म है बहुत खुदा और मजहब है, खुदा और मजहब, कुछ लोग मजहब को खुदा तक पहुंचने का रास्ता समझते हैं और कुछ मजहब को ही रुकावट समझते हैं। तो इस मौजू पर मेरा नजरिया देखिए, नज़्म का उनवान है खुदा और मजहब। एक रोज मैंने देखा उस यारे गुल बदन को,
एक रोज मैंने देखा उस यार गुल बदन को, जुल्फें सियाह बादल आंखों में हंसता काजल। एक रोज मैंने देखा उस यार गुल बदन को, जुल्फें सियाह बादल आंखों में हंसता काजल, होठों पे सुर्ख बादा गालों पे रंग काजा, बदमस्त चाल उसकी सरमस्त खाल उसकी, सूरत जमील उसकी सीरत असीर उसकी। एक रोज मैंने देखा उस यारे गुल बदन को, उस यारे गुल बदन को, लेकिन कहाँ है देखा, चेहरे पे एक रिदा थी सूरत छुपी हुई सी। उस यारे गुल बदन को, लेकिन कहाँ है देखा, चेहरे पे एक रिदा थी सूरत छुपी हुई सी। जब तंग आके मैंने सर से रिदा हटाई, एक रोशनी सी आई दिल में मेरे समाई। जब तंग आके मैंने सर से रिदा हटाई, एक रोशनी सी आई दिल में मेरे समाई, कुर्बत की बारिशों में फिर सीस्त भी नहाई, फिर कैद हिजर व गम से थी वसल की रिहाई, फिर गोशे चमन में मौजे बहार आई, आंसू कली ने पोंछे और खूब मुस्कुराई। जब तंग आके मैंने सर से रिदा हटाई, फिर तेज धूप निकली बंद आंख मैंने कर ली, बंद आंख की है जज्बल नजरों से यार ओझल। फिर तेज धूप निकली बंद आंख मैंने कर ली, बंद आंख की है जज्बल नजरों से यार ओझल। मैंने रिदा उठाई और यार को उड़ाई, खुद पर भी उसको ओरा साए में उसके देखा, अब यार मिल गया था या भूल खिल गया था, अब यार मिल गया था या भूल खिल गया था। खुशबू सी थी फिजा में हम दोनों थे रिदा में, पहले रिदा से मुश्किल अब है रिदा ही महफिल, पहले रिदा से मुश्किल अब है रिदा ही महफिल। बात इतनी सी है समझो मजहब में तुम खुदा को, बात इतनी सी है समझो मजहब में तुम खुदा को, ढूंढो नहीं मिलेगा ढूंढो यही मिलेगा। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि रोएस मुमताज साहब का अपना एक लहजा, अपना एक रंग है, और इनके अपने मौजूआत भी होते हैं। आपने अभी समाअत की इनकी नज़्म और इनकी गज़ल। असल में इन्होंने जो नज़्म को उरियानियत के हवाले से याद किया, उरियानियत से मुराद दरअसल तफसील है, उसकी वजाहत है। उरियानियत से वो मुराद नहीं है जो बिलुमूम यानी जिनकी निगाही उतर जाती है वो लोग मुराद लेते हैं। हजरत, अब मैं कैसे शायर को बुलाने जा रहा हूँ, ज़बान व बयान के लिहाज से मैंने दोहा में जो चंद जिन चंद शख्सियतों को बहुत मोतबर पाया है, गो के मैं एक तालिब इल्म की हैसियत रखता हूँ, लेकिन उनके यहाँ ज़बान व बयान का जो रचाव है, लफ्ज़ों को बरतने का जो सलीका है, और बिलखसूस वो इसनाफ जो मिटती जा रही हैं, जिनकी तरफ लोगों की बहुत कम तवज्जो हो रही है, उसको भी बरतने का उनमें यानी काफ़ी हौसला और काफ़ी यानी फन पाया जाता है। मैं बहुत ही अदब के साथ जनाब मुजफ्फर नायाब साहब से मुलतमिसों के वो तशरीफ लाएँ इफ्तिखार आरिफ के इन चार किस्सों के साथ के ख़्वाबे दीरीना से रुखसत का सबब पूछते हैं, ख़्वाबे दीरीना से रुखसत का सबब पूछते हैं, चलिए पहले नहीं पूछा था तो अब पूछते हैं। कैसे खुशतबा हैं तेरे शहर दिल आज़ार के लोग, मौजे खून सर से गुजर जाती है तब पूछते हैं। शुक्रिया, सलाम अलैकुम। महफिल की मुनासिबत से एक कता आपके खिदमत में पेश करूंगा जो कसीर जहन है, मल्टी डायमेंशनल है, कता भी है, तहनीयत भी है और तारीख भी है। इस कते के आखिरी मिसरे से इल्मुल आदाद के हवाले से सन 2020 की तारीख बरामद होती है। मुलाहजा कीजिए, तख्लीक़ ज़ुबान खामा है,
शहकार मोहम्मद शाहिद खान। तख्लीक़े ज़ुबाने खामा है शहकार मोहम्मद शाहिद खान, एजाज़े सुखन की अज़मत से सरशार मोहम्मद शाहिद खान। तख्लीक़े ज़ुबाने खामा है शहकार मोहम्मद शाहिद खान, एजाज़े सुखन की अज़मत से सरशार मोहम्मद शाहिद खान, सफ़ाते कोरोना की डायरी में, सफ़ाते कोरोना की डायरी में, सॉरी असल में वो आप लोग एक मिनट रुक जाएं, आपकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट, मैं सिर्फ यह खाता पढ़ के जाने वाला हूँ, मतलब पानी रोक दीजिए आप, एक मिनट चाय रोक दीजिए, मैं उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया, मैं लिखा कुछ भी पढ़ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक, उससे तो पढ़ूंगा। तख्लीक़े ज़ुबाने खामा है शहकार मोहम्मद शाहिद खान, एजाज़े सुखन की अज़मत से सरशार मोहम्मद शाहिद खान, सफ़ाते कोरोना डायरी में दिलचस्प सुखन आराई है, सफ़ाते कोरोना डायरी में दिलचस्प सुखन आराई है, हसास कलमकारी के यहाँ फनकार मोहम्मद शाहिद खान, हसास कलमकारी के यहाँ फनकार मोहम्मद शाहिद खान। और ये मिसरा 2020 तारीख बनाता है। अभी मैं जिक्र कर रहा था मुज़फ़्फ़र नायाब साहब का, ये जिन असनाफ की हिफाजत कर रहे हैं वो उसकी तरफ बहुत कम लोग इन दिनों तवज्जो कर रहे हैं, उसकी वजह भी है कि बहुत ज़रा मुश्किल मामला होता है। अब मैं एक ऐसे शायर को बुलाने जा रहा हूँ जिनकी शायरी मुझे उन्होंने मुझे दे दिया एक दोहा में एक उर्दू गज़ल के हवाले से, एक इंतहाई मोतबर नाम जनाब कैसर मसूद साहब का है। मैं बज़ात ख़ुद इनकी शायरी को बेहद पसंद करता हूँ और इन दिनों फेसबुक पे इनकी नज़में लगातार पढ़ रहा हूँ। मैं किसी तमहीद व तबसरा के बग़ैर, इसलिए कि शायर का कलाम उसका बेहतरीन तारुफ होता है, उसे किसी नाज़िम या किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं होती है। मैं इन दो मिसरों के साथ उन्हें दावत सुखन देता हूँ। न खंजर से न पत्थर से न गाली से ये ज़ख्मी है, न खंजर से न पत्थर से न गाली से ये ज़ख्मी है, हमारा दिल किसी की होंठ के लाली से ज़ख्मी है। सामीन हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करते हैं मोहतरम शाहिद खान साहब को कोरोना मरीज की डायरी के हवाले से। इन्होंने जब ये डायरी लिखने का आगाज़ किया था तो वो पहली जो उसकी किस्त थी तो वो मैंने देखी जब फेसबुक पे, तो मैंने सोचा कि शायद ये कोई अफसाना वगैरह ये बना रहे हैं और उसका कोई हिस्सा इन्होंने लिख दिया। वो जल्दी जल्दी में होता है फेसबुक का खूबियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ सबसे बड़ा मसला ये है
कि बड़ी अहम चीजों को भी इंसान सरसरी तौर पे देखता है और ऐसे करके बस इधर गया उधर गया, कोई इत्तफाकन कोई चीज अगर कोई सामने रोक दी आपने कोई किसी चीज ने, और तो ऐसे ही मैंने उसको भी देखा और ऐसे मैंने कहा कोई अफसाना लिखने आ गए। उसके बाद कोई दो चार दिन बाद फिर ऐसी चीज, फिर ऐसी चीज, मैंने कहा ये क्या खास कोई चीज है जो लिखे जा रहे हैं। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि ये तो किसी क्वारंटीना सेंटर में है और अपनी डायरी लिखे जा रहे हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा फिक्रमंद भी हो गया और फिर उनसे बात भी हुई और फिर वो जैसे कि कहते हैं नई नई बात थी और नया नया माहौल और एक खौफ था। तो उस खौफ के आलम में जो इन्होंने इस खौफ को जिस तरह से इसके जो उसको कम किया और जिस तरीके से हौसला दिया सब लोगों को, ये एक बड़ी काबिले तहसीन बात है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी खूबसूरत तवील 9 माह की तवील मुद्दत के बाद एक खूबसूरत महफिल का जन्म हुआ है जिस पर उस सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। एक गजल के अशआर आपके सामने पेश करता हूँ। गले लगा के वो ऐसे उदास छोड़ गया, गले लगा के वो ऐसे उदास छोड़ गया, बदन से रूह तलक अपनी बास छोड़ गया। गले लगा के वो ऐसे उदास छोड़ गया, बदन में रूह तलक अपनी बास छोड़ गया, और बिछड़ते वक्त मोहब्बत का आखिरी बोसा, बिछड़ते वक्त मोहब्बत का आखिरी बोसा मेरे लबों पे अनोखी मिठास छोड़ गया। बिछड़ते वक्त मोहब्बत का आखिरी बोसा मेरे लबों पे अनोखी मिठास छोड़ गया, और उसे खबर है अकेला हूं मैं इसी खातिर, उसे खबर है अकेला हूं मैं इसी खातिर, वो अपना आप मेरे आसपास छोड़ गया। बहुत इनायत। उसे खबर है अकेला हूं मैं इसी खातिर, वो अपना आप मेरे आसपास छोड़ गया, और उठा के ले गया मजमून सब मोहब्बत के, उठा के ले गया मजमून सब मोहब्बत के, हमारे पास फकत इक्तबास छोड़ गया, हमारे पास फकत इक्तबास छोड़ गया, और वो सानेहा तो बिलाखिर गुजर गया, लेकिन वो सानेहा तो बिलाखिर गुजर गया, लेकिन हमारे शहर में खौफो हिरास छोड़ गया। वो सानेहा तो बिलाखिर गुजर गया, लेकिन हमारे शहर में खौफो हिरास छोड़ गया, और भड़क भड़क के भड़कती है इंतकाम की आग, भड़क भड़क के भड़कती है इंतकाम की आग, मेरे लहू में वो ऐसी भड़ास छोड़ गया, मेरे लहू में वो ऐसी भड़ास छोड़ गया, और पलट के आए ना आए मगर यही है बहुत, पलट के आए ना आए मगर यही है बहुत, मेरे लिए वो पलटने की आस छोड़ गया। पलट के आए ना आए पलट के आए ना आए मगर यही है बहुत, मेरे लिए वो पलटने की आस छोड़ गया, और हर एक चीज वो हमराह ले गया कैसर, हर एक चीज वो हमराह ले गया कैसर, बस एक मैं हूं जिसे वो उदास छोड़ गया। जनाबे कैसर मसूद साहब ने बहुत ही प्यारी गजल पेश की और आपने उन्हें भरपूर दादो तहसीन से नवाजा। हम आपके मशकूर हैं कि आपने मुशायरे की इस नशिश की अपनी नशिश की फ़ज़ा बरकरार रखी है शुरू से, और शोरा हजरात को आपकी इस
ہمت افزائی سے کافی حوصلہ مل رہا ہے اور وہ اپنا بہترین کلام آپ کی خدمت میں پیش بھی کر رہے ہیں. اب میں ایک ایسے شاعر کو مدعو کرنے جا رہا ہوں جن کا تعلق کبھی بہار سے ہوا کرتا تھا لیکن ان دنوں وہ جھارکھنڈ میں آ چکے ہیں, اور اس میں دو رائے نہیں کہ اپنے لب و لہجے اور اپنے تیور کے ایک منفرد شاعر ہیں. سچ بولنا سب سے مشکل کام ہے, اور یہ معاملہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جب شاعری میں سچ بولنا ہے, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں ہے کہ مقصود انور مقصود صاحب کی شاعری سچی شاعری ہے, زندگی کی تلخیوں کی, زندگی کے مسائل کی ترجمانی کی شاعری ہے. میں انہیں افتخار عارف کے ان چار مصروں کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. تارے شبنم کی طرح, تارے شبنم کی طرح صورت خس اٹھتی ہے, تارے شبنم کی طرح صورت خس اٹھتی ہے, آس بندھنے نہیں پاتی ہے کہ بس ٹوٹتی ہے. شور اتنا, آس بندھنے نہیں پاتی ہے کہ بس ٹوٹتی ہے, گرد اتنی کہ سجھائی نہیں دیتا کچھ بھی, شور اتنا کہ آواز جرس ٹوٹتی ہے.